मेरी एक अपील है बीजेपी और आरएसएस के लोगों से, ये श्रम कानून जो शिवराज सिंह चौहान लेके आ रहा है, इसका वीडियो का लिंक मैं नोटिफिकेशन में डाला हूं, नोटिफिकेशन में जो लिंक डली हुई है उसको खोल के पहले वो वीडियो पूरा सुन लें। ये संशोधन शिवराज सिंह चौहान क्यों कर रहा है, नरेंद्र मोदी बीजेपी क्यों कर रही है, सारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद क्यों कर रही है, स्थायी नौकरी क्यों खत्म कर रही है, ये हमारे बच्चे जिनको हम लाखों रुपए देकर के डिग्री डिप्लोमा करा रहे हैं, इनका भविष्य क्यों चौपट कर रही है, क्या चाहते हो आप लोग, कैसा देश बनाना चाहते हो, कैसा भारत बनाना चाहते हो, क्या सोच है, क्यों सारे श्रम कानून खत्म कर रहे हो, क्यों मजदूरों को गुलामी में धकेल रहे हो, क्यों कर्मचारियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, पढ़े लिखे बच्चों के अधिकार खत्म कर रहे हो, डिग्री डिप्लोमा करके जो 12-12, 14-14 घंटे काम, सारे लॉ खत्म कर रहे हैं, कोरोना के नाम पर सारे 12 घंटे 14 घंटे का कानून लेके आ रहे हैं, जो कानून हमने आजादी के पहले ट्रेड यूनियन राइट, ये सारे चीज जो कारखाना अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, एग्रीमेंट का अधिकार, परमानेंट नौकरी, ये सब जो पाए थे लड़कर के, 8 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे परिवार समाज के लिए, जो सब पाया था हमने, मजदूरों ने पाया था, लड़के पाया, छाती पे गोली खा के पाया, उसको तुम क्यों खत्म कर रहे हो, क्यों गुलाम बनाना चाहते हो देश को, क्या राष्ट्रवाद है तुम्हारा, किस राष्ट्रवाद की बात कर रहे हो, कौन सा राष्ट्रवाद है, कौन से राष्ट्र के भले की बात कर रहे हो, सबको बर्बाद कर दिया, पूरे मजदूरों को, पूरे नौजवानों को बर्बाद कर दिया, किसानों को बर्बाद कर दिया, हर पीढ़ी बर्बाद है, क्या करना चाहते हो देश के अंदर, मैं मेरे सवालों का जवाब दो, जो बीजेपी आरएसएस के पीछे घूम रहे हैं, जो बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता, बताओ आप ऐसा भारत चाहते हो, आपके बच्चों को आप गुलामों की तरह काम करवाना चाहते हो, आपके बच्चों को रोजगार ना मिले, आप इस तरीके आपके बच्चे पेठे में खड़े हों और वहां 8 घंटे के उनको 200-400 रुपए मिले, ये चाहते हो, आपके बच्चों को परमानेंट नौकरी ना मिले, ये चाहते हो, आपके बच्चे गुलामों की तरह कुटे पिटे, ये चाहते हो, आपको घर, आपके बच्चों को जो नौकरी ना मिले सही तरीके, ये चाहते हो, ये गुलामों के कानून बना रहे, ये चाहते हो, क्या चाहते हो, किस तरीके की व्यवस्था, क्यों क्यों हिंदू मुसलमान करा रहे हो, क्यों देश के नौजवानों को गुमराह कर रहे हो, हिंदू मुसलमान कराने से देश का क्या होने वाला, क्या भला होने वाला, बताओ आप क्या करोगे भला, क्या फायदा हुआ है, इस सब लड़ाई के पीछे पूरे देश को बर्बाद कर दिया है, सारे श्रम कानून खत्म कर दिए, बच्चे खुचे अभी कोरोना के पीछे खत्म कर रहे हैं, सारे देश को बेच दिया है, सारे सरकारी संस्थानों को बेच रहे हैं, देशी विदेशी पूंजीपतियों को, कुछ नहीं बचा हमारे देश का, सरकार के हाथ में कुछ नहीं बचा है, सब कुछ बेच रहे हैं, देश को गुलाम बना रहे हैं, आर्थिक रूप से गुलाम बना रहे हैं, ये चाहते हो आप, आरएसएस ये राष्ट्रवाद है, आरएसएस का, बीजेपी का ये राष्ट्रवाद है, जो भी बीजेपी के भक्त हैं, जो हर हर मोदी करे, आप ये चाहते हो देश के, देश को नष्ट करना चाहते हो, देश को बर्बाद करना चाहते हो, नौजवानों की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो, क्या चाहते हो बताओ, बहुत ही दुखद है, आपको अंधा बनाया हुआ है, गुलाम धर्म के नाम पे गुलाम बनाया हुआ, पागल बनाया हुआ है, पागलों की तरह जय जय श्री राम करो, गुलामी करो और अपनी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करो, खाने को नहीं जुड़ेगा बच्चों को, बच्चे भीख मांगेंगे भीख, कोई काम नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, कारखानों में कुटेंगे पिटेंगे और मुश्किल से कम पैसे में काम मिलेगा, जितन मर्जी होगा उतन भगा देंगे, उसको नौकरी नहीं मिलेगी, उसको लोन नहीं मिलेगी, वो अपने घर में बीवी बच्चे नहीं पाल सकता, छोटा सा घर नहीं बना सकता, जैसे तैसे जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा, ऐसी हालत इन सरकारों ने कर दी है, ये चाहते हो आप, इसके लिए राष्ट्रवाद है, इस राष्ट्रवाद की बात कर रहे हो, कौन सा राष्ट्रवाद है भाई बता दो, दुकानदार बर्बाद 100% एफडीआई, दुकानदारों को अभी समझ में नहीं आ रहा है, व्यापारियों को समझ में नहीं आ रहा है, 100% एफडीआई के बाद अभी आने वाले समय में सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, इनकी मल्टीनेशनल कंपनियां जैसे ही पूरी रूड नीचे तक गांव का मार्केट उनके हाथ में पकड़ में, अभी
गेहूं खरीदी गांव गांव करने की छूट दे रहे हो। बीजेपी और आरएसएस की सरकार पूरी तरीके से जितने आड़ती हैं, दुकानदार हैं, जितने भी ये बड़े बड़े दुकानदार जो गांव कस्बों में हैं, इनकी दुकानें बंद करने का सारा सिस्टम बना चुके हैं। समय लगेगा, आपका दुकान बैठा बैठा ठप हो जाएगा, आप खाली देखोगे कि कोई एक ग्राहक आ जाए। चुप रहो कब तक रहना है, चुप रहो कितने दिनों तक चुप रह सकते हो, चुप रहो। तो ये है अपील मेरी, मैं आपसे कह रहा हूं कि जो संशोधन का उसका वीडियो नोटिफिकेशन में है उसको सुन लो। शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश का, यही सेंटर गवर्नमेंट कर रही है, वो यही बीजेपी की सारी राज्यों की सरकारें कर रही हैं, होड़ लगी हुई है। तो ये करने से क्या करना चाहते हो आप, कमेंट्स बॉक्स में जवाब लिखो। और अगर आज भी चुप रहे नौजवान, चुप रहे छात्र, चुप रहे और आज भी उसके पीछे बीजेपी के लोग, तो आप ही जिम्मेदार होंगे देश की नौजवान पीढ़ी को बर्बाद करने वाले। बीजेपी आरएसएस पूंजीपतियों का संगठन है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? हिंदू मुसलमान का नशा जो चढ़ा हुआ है, इसी नशा चढ़ा के तुम्हारी जिंदगी खत्म कर देंगे, जिंदगी बर्बाद कर देंगे, वो किसी काम के नहीं बचोगे, इस बात की गारंटी है, गारंटी है इस बात की। आप इसको नोट कर लो, इस वीडियो को सेव कर लेना। तो ये मैं कहना चाहता हूं, आप बताओ क्या करना है। बहुत ही दुखद है, इस गुलामी से बाहर निकलो साथियों, सारे नौजवानों, जितने भी नौजवान हैं, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, जो ये बीजेपी आरएसएस में काम कर रहे हैं, उनके माता पिता हैं जो अंधे हो रहे हैं धर्म के नाम पे, सब लोग ये वीडियो सुनो जरा और फिर देखो कि क्या खेल चल रहा है। सारा देश लुट गया है, सब बिक गया है, हमारा देश आर्थिक रूप से गुलाम हो गया है पूंजीपतियों का, आने वाले समय में भी पूरा देश गुलाम हो जाएगा, ना रेलवे होगा, ना कुछ भी, दूर से कुछ भी नहीं होगा, हमारा सब पूंजीपतियों का होगा, और फिर वो चाहे जितना महंगा देंगे उतना महंगा खरीदना पड़ेगा, वो नहीं मिलेगा। अभी अस्पतालों में लोग बिना इलाज के मर रहे हैं, पैसे नहीं है तो अस्पतालों में मरीज नहीं ले जा सकते, यही दुर्दशा आगे होने वाली है। तो ये साथियों बहुत ही दुखद है, मेरी विशेष अपील है सारे लोगों से, अरे हम आप इंसान है भाई, कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी संगठन मजदूर के, जनता के भले के लिए काम करता भाई, ये नंगे रूप से जनता का, नौजवान पीढ़ी का जिंदगी बर्बाद करने का काम कर रहा है, वो हम लोग चुप हैं, हम लोग अंधे हैं। कोई सी भी पार्टी हो, मैं तो आपसे कह रहा हूं, कोई सी भी पार्टी ऐसा गंदा काम कर रहे हैं तो उनको सुधारना है, सबको सुधारना है, सबको मिलकर सुधारना है, तभी साथियों हम बचेंगे, वो देश बचेगा। अगर सब लुट जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, सब बिक जाएगा, तो हम गुलाम होंगे, गुलाम, जिसकी व्यवस्था बीजेपी आरएसएस ने कर दी है। सावधान हो जाओ, जो खासतौर से मोदी वक्त हैं, हर हर मोदी, जय जय मोदी कर रहे हैं, उनके पास जरूर भेजो और दोनों वीडियो सुने, दोनों वीडियो सुनने का हो कि नोटिफिकेशन में जो लिंक डाला है, सम कानूनों में जो परिवर्तन मध्य प्रदेश की सरकार लेके आई है, बीजेपी पूरा देश में वही ला रही है, उस वीडियो को सुनो और इस वीडियो को सुनो, ये कहो उनको, और उसके बाद फैसला करो कि क्या करना है और क्या नहीं करना। आंखें खुल जाए, दिमाग खुल जाए तो ठीक है। तो इसी आशा उम्मीद के साथ आपसे अपील कर रहा हूं, आपको जिम्मेदारी दे रहा हूं, इस वीडियो को देश के हर नौजवान तक पहुंचा दो। अगर ये जानकारी देश के हर नौजवान तक पहुंचेगी, तभी नौजवान बच पाएगा, उसकी जिंदगी बच पाएगी, उसका रोजगार बच पाएगा, उसके बीवी बच्चे बच पाएंगे, उसका माँ बाप बच पाएंगे। पैसे बिना कुछ नहीं होता साथियों, पैसे बिना कुछ नहीं होता, पैसे की लूट, हमारा जेब से पैसा ने सारा छीन लिया है, हमें पैसा मिलना नहीं है, मोहताज रहेंगे हम, जीने के लिए पैसा जुटाने के लिए मोहताज रहेंगे, ये सिस्टम बना रहे हैं। तो इसको समझना है, उम्मीद है कि मेरी बात को समझोगे आप। तो इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप समझोगे, मैं अपनी बात खत्म करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि इस वीडियो को शेयर करवाएं और देश के हर नागरिक तक पहुंचाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सहयोग करेंगे, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स, और कमेंट्स जरूर लिखें, मैंने जो कहा है आपको समझ आया नहीं आया, इसके बारे में कमेंट्स लिखें कि समझ आया, मैंने सही कहा या गलत कहा,
इसके बारे में कमेंट्स लिखें, और कोई सवाल हो तो भी कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं जवाब दूंगा आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू साथी, धन्यवाद।